नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां दलित महिला पर अत्याचार किया गया। आपको बता दें कि लालगंज विकास खंड में राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना अंतर्गत लगा ग्रामीण कल्याण मेला में राधिका स्वयं सहायता समूह की सखी लीलावती कोल पर बीएम विनोद तिवारी द्वारा मेले में दलित महिला पर अत्याचार किया गया। बताया जा रहा है कि लालगंज में 29 सितंबर को लीलावती कोल द्वारा NCR अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का निवारण किया गया। राधिका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं विनोद तिवारी की गिरफ्तारी की मांग कर रही, जबकि थाना लालगंज के अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि सुलह और समझौता कराने के लिए पीड़ित महिला पर दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार नारी मिशन शक्ति का ऐलान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दलित महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से शीतला प्रसाद बिंद की रिपोर्ट। हाँ, अपना परिचय बताएं, क्या समस्या है? मेरा नाम है लीलावती कोल, ग्राम कटाई पोस्ट तिलाव थाना लालगंज जिला मिर्जापुर की निवासी हूँ मैं। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह सखी पद पे काम करती हूँ। कौन सा मिशन है तुम्हारा, कौन सा नाम है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पे। अच्छा अच्छा, समूह सखी का काम करती हूँ। समूह का क्या नाम है आपके? समूह का नाम है राधा आजीविका स्वयं सहायता समूह। अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्या समस्याएं हो गई? समस्या ये है कि हम समूह में काम करते हैं, हमारे BMM विनोद तिवारी सीधा। हाँ बताएं। आज विनोद तिवारी सर, हम पैसा निकाले हैं दाल का, तो दाल का दाल बांटने के लिए आया था। दाल बांटने के लिए आया था, तो किसको बांटने के लिए आया था? आंगनबाड़ी के बच्चों, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए। तो आंगनबाड़ी के बच्चों को आपने बांटा? हाँ सर, हमने बांटे हैं और पूरा रिकॉर्ड भी रखे हैं। विनोद तिवारी जब आए तो बोल रहे हैं कि तुम ऐसा पैसा निकाल के क्यों बांटी, हमको पैसा चाहिए। हमको पैसा चाहिए वो बोल रहा है। हमको पैसा दो लाख, कहीं से भी अगर पैसा नहीं दे रही हो तो तुम सीधा का कहती हूँ तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। अच्छा अच्छा, और क्या क्या किए? FIR करने के बाद सीधा हमको बोल रहे हैं तुम छोट जात की हो, कोल जात की हो, कोल चमाइन हो, क्या कर सकती हो हमारा। हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम को निकलवा देंगे समूह से, जान से मरवा देंगे। फिर जाके गरीब कल्याण मेले में हम वहाँ जब गए तो सीधा बोल रहे हैं कि अरे तुम माधर चौथ कोल चमाइन जात क्या कर सकती है हमारा। सीधा हमको गाली दे रहे हैं, गाली दिए। गाली देने के बाद सीधा मेरा हाथ पकड़े सीने पर धक्का लगा के सीधा मेरे भरी समाज ने मेरे को धक्का दिया है। हाँ, ढकेल दिए, ढकेल दिए है। ढकेलने के बाद फिर बाद में वहाँ से गायब हो। जब हमने पूछा तो बोल रहे हैं क्या कर लो, कि जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, तुम लोग गरीब लोग क्या कर सकती हो। अच्छा, प्रार्थना पत्र थाने में दिया आपने? हमने दिया है थाने में, सब कुछ दिया। क्या बोल रहे हैं थाने वाले? थाने वाले बोल रहे हैं कि एक काम करिए, उनका गांव का पता, उनके बाप का पता हमको लाके दीजिए, तब हम लोग कार्यवाही करेंगे। अच्छा अच्छा, उनको पता तो ब्लॉक से लेना चाहिए, विकास खंड लालगंज से। नहीं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, हमको आप लाके दीजिए तब कार्रवाई होगा। हमका सर, हम लोग कहाँ से लाए, हमको पता नाम था उनका, हम दे दिए। अच्छा, आप लोग करिए, तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे अभी तक। अब कार्रवाई क्या चाहते हैं हम लोग? ये चाहते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए सीधा। अगर नहीं अरेस्ट करेंगे तो हमारी समूह की महिलाएं राधा आजीविका स्वयं सहायता चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे उनके ऊपर सीधा काम कर। आप लोग रिक्वेस्ट है कि हमारा गरीब का आगे कार्यकर्ता बढ़ाए, ताकि हम लोग भी सक्षम हो जाए कि गरीब महिला के साथ इतना अत्याचार ना हो सके। हाँ बताएं सर, ये भी पूरा हमारे गांव में जो ब्राह्मण हैं, दूसरे देश गांव के भी सबको लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं सुलह कर ले, और सबको मतलब वो का दबाव डाल रहे हैं कि आप सुलह ले लो। गरीब जाति को हो, कोल जात को हो, क्या कर सकती हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारी बदनामी होगी होगी। सर बताइए, हम गरीब महिला की इज्जत लूट जाए, हर चीज हो जाए, हमारी बदनामी नहीं हो रही, सबकी ब्लॉक की बदनामी हो रही सर। ऐसा सुनवाई हो रहा है कि बोल रहे कि सुलह लेने हैं हमारे, कौन कौन सुलह होने के लिए दबाव बना रहा है? सर ब्राह्मण लोग हैं सर, आके ग्राम पंचायत प्रधान भी बोल रहे हैं कि आप सुलह लीजिए, हमारी बदनामी हो रही है, हमारा ब्लॉक। ग्राम पंचायत प्रधान भी बोल रहा है? क्या नाम है ग्राम पंचायत प्रधान का? उनका राम प्रसाद नाम है। राम प्रसाद? हाँ। आगे? राम प्रसाद पटेल है। राम प्रसाद पटेल किस ग्राम पंचायत के? ग्राम कटाई। ग्राम कटाई, वो भी दबाव दे रहे हैं। हाँ, बोल रहे। अब हमारे आदमी को भी धमकी दे रहे हैं, अगर तुम सुलह नहीं लो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। के प्रधान जी कह रहे हैं? हाँ, प्रधान जी बोल रहे हैं सर। बताइए, हमारे ग्राम प्रधान होके ऐसे बोल रहे हैं तो दूसरे गांव के सर क्यों नहीं बोलेंगे? हम गरीब महिला की कोई सुनवाई नहीं होगी सर।